तो सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। आप सभी देख रहे हैं आपका अपना लोकप्रिय चैनल और मैं हूं प्रेम वाजपेयी, इलाकाई खबरों के साथ जानकारी लेकर के। खबरों को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। खबर आपकी, कवरेज हमारी। खबर जहां नज़र वहां। आपको बता दें कि ये जो तस्वीरें आपको नज़र आ रही हैं, ये जनपद सीतापुर तहसील बिस्वा विकास क्षेत्र थाना रहुसा क्षेत्र इलाके की हैं, जहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि गेहूँ की फसल के में काफ़ी लोगों की तस्वीरें देखी जा रही हैं लाठी डंडे लेकर के। बताते चलें कि लगातार सुर्खियों में छाए तेंदुआ की खबर लोगों की नींद हराम कर दी है, और उसने अपनी आमद थाना रहुसा क्षेत्र इलाके में आज सुबह कर दी है, जहां पर एक युवक को हमले कर जख्मी भी कर दिया है। वहीं पर मौके पर पहुंची वन विभाग के आला अधिकारी और टीम के द्वारा उसको रहुसा सेसी ले जाया गया, जहां पर भर्ती कराकर उसका प्राथमिक उपचार करने के बाद छुट्टी घर भेज दिया गया है। आपको बताते चलें, और वहीं पर मौके पर पकड़ने के लिए पिंजरा मंगा लिया गया है, और वन विभाग के आला अधिकारी मौके पर डटे हुए हैं, पकड़ने का प्रयास जारी है। शिकौहा के पास घेरा गया है तेंदुए को, और स्पष्ट वीडियो में देखेंगे कि हल्का सा उसकी तस्वीर भागते नज़र आ रही है। मामला बता दें कि थाना रहुसा क्षेत्र इलाके का है, और जो युवक जख्मी हुआ है वो राम बक्स पुत्र बुद्धा उम्र 45 वर्ष अपने खेत में गेहूं की फसल काट रहा था, और तभी तेंदुए की भनक पड़ी और उसको घेर लिया ग्रामीणों ने देखते ही, और ज्यों ही घेरा उसी में दुबका हुआ तेंदुए ने हमला कर दिया राम बक्स पर, पुत्र बुद्धा पर, जहाँ पर उसको रहुसा से चिल्लाया गया। वहीं पर मौके पर लोगों की काफ़ी एक दहशत देखी जा रही है तेंदुए की, और काफ़ी लोगों की भीड़ इकट्ठा है और पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। आदित्य सिंह बंदरोगा ने बताया कि शिकौहा के पास घेरा गया है और मौके पे मौजूद है, पिंजड़ा मंगा लिया गया है और पकड़ने का प्रयास जारी है। हालांकि अभी विभागीय आला अधिकारियों की पकड़ से काफ़ी बहुत दूर है, अब देखना यह है।